पादप जगत पढ़ना है। इसके पहले हमने पढ़ा था जीवों को आर एच विटेकर ने कितने जगतों में बांटा था, पांच जगत में बांटा था, जिसमें हमने जाना था उन्होंने किस बेस पे बांटा था। तो उन्होंने पोषण के आधार पे, कोशिका के संगठन के आधार पे, आवास के आधार पे, जनन के आधार पे आदि की आदि गुणों को देख के उन्होंने जीवों को क्या किया था अलग। जैसे इस कमरे में आप बैठे हो तो आपको एक दूसरे से अलग करना होगा, तो कोई लंबा होगा उसको अलग छांट देना, नाइन्थ का होगा अलग कर देंगे, टेंथ का होगा अलग कर देंगे, इलेवंथ का होगा अलग कर देंगे ना, रंग के बेस पे कौन एक चोटी करके आया उसको अलग कर देंगे, दो चोटी वाले को अलग कर देंगे, काला होगा अलग कर देंगे, गोरा होगा अलग कर देंगे, सांवले को अलग कर देंगे, जो पढ़ने में टैलेंटेड है उसको अलग कर देंगे, जो कमजोर है उसको अलग कर देंगे। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है ना, ये आपके गुण है। मैंने आपको बताया गुण और लक्षण के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हो। गुण वह होता है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन लक्षण वह होता है जो दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं पादप जगत, पौधे के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पौधे क्या होते हैं। आपको बता दूं कि पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम, पृथ्वी पर सबको ऑक्सीजन, केवल पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव हैं। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है पृथ्वी पर ऑक्सीजन को प्राण वायु बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी जीवों को, चाहे मछली की बात कर लें, चाहे विशालकाय हाथी की बात कर लें, चाहे एक कोशिकी अमीबा की बात कर लें, छोटे जीव की बात करें या बड़े जीव की बात करें, सब में प्राण वायु का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन। हम जानते हैं, देखिए एक चीज केमिस्ट्री में आती है, अणु आता है और परमाणु आता है। अणु क्या होता है? अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। ठीक है, थोड़े से हम मिस जानते हैं कहाँ पे मिस करते हैं हम थोड़ी से एक पॉइंट को, क्योंकि दिमाग में आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कई छोटे छोटे परमाणु, परम अणु, छोटे से छोटे अणु, देखिए परमाणु में अणु आ रहा है ना, तो कई अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका? अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। कुछ लड़के क्या गलतियाँ कर देते हैं कि वो ओ लिखा होता है तो बोलते हैं ये ऑक्सीजन है। नहीं, ये ऑक्सीजन का क्या है? संकेत है। ये क्या है? संकेत है। जब अगर O2 नहीं लिखा होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? O क्या होता है? ये ऑक्सीजन का संकेत है, सिंबल है। लेकिन ठीक है, और O2 क्या है? O2 वो ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं? अब आप बात करेंगे ये 2 क्या है, तो देखिए मैंने आपको अभी बता दिया, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। परमाणु संधि विच्छेद इसका करेंगे तो परम अणु, परम मतलब छोटा से छोटा अणु, छोटे छोटे अणु मिलकर, दो छोटे अणु, दो परम अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक अणु का। किसके? ऑक्सीजन के। आपने H2 देखा होगा तो ये क्या है? हाइड्रोजन। H क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है, संकेत है वो। समझ रहे हैं ना? तो O2 लिखा होगा तब ऑक्सीजन है, केवल O है तो वो ऑक्सीजन का क्या है? सिंबल है। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर ये कभी किसी वो रिएक्शन में आपको दिख जाता है, किसी समीकरण में आपको दिख जाता है, समीकरण के बीच में अगर दिखेगा तो आप इसे संतुलित करेंगे, करेंगे कि नहीं? तब संतुलित करेंगे तो आप यहाँ दो लेके आएंगे, या तो यहाँ आप दो लिख देंगे, है ना, तो ये दो ऑक्सीजन के हो गए परमाणु। समझ रहे हैं ना? तो ये याद रखेंगे पॉइंट को कि O लिखा है तो वो सिंबल है, और O2 लिखा है तब जाके ऑक्सीजन बनता है। तो दो छोटे छोटे परमाणु क्या होता है? जैसा आपने परिभाषा पढ़ी हुई है, तो परमाणु क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जो आगे चल के किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। दो अणु होंगे, दो परमाणु होंगे, तीन परमाणु होंगे, चार परमाणु होंगे, पाँच परमाणु, कई परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो पादप जगत के बारे में हमें पढ़ना है, पौधों के बारे में पढ़ना है। आपको मालूम है कि मैंने आपको बता दिया कि पौधे क्या काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। लेकिन अभी हमें इनके क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर हम कैसे किसी जीव को, या हम ऐसे ही देख के किसी जीव को कैसे पहचान लेंगे। जैसे आप कुत्ता को देखते हैं तुरंत बता देते हैं ये कुत्ता है, गाय को देखते हैं बता देते हैं ये गाय है, भैंस है, फलान ढिमका है कि नहीं? क्या देख के? उनकी क्वालिटी देखते हैं। जैसे आप मुझे पहचानते हो, कैसे पहचानते हो? क्योंकि आपने बार बार मुझे देखा हुआ है। वैसे ही आप पौधे की क्या क्वालिटी होती है, क्या उसके गुण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, जिसके बेस पे आप उन्हें बताओगे कि ये पौधा है। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं पादप जगत के बारे में, हम कोशिका की बात करते हैं। आपको मालूम है कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है असीम केंद्रीय और दूसरे को बोला जाता है ससीम केंद्रीय। ठीक है,
बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब सत्य या वे जीव जिसे, एकदम आसान लहजे में समझे, वे जीव जिसे खुली आंख से देख सके उनमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक। और वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सके उनमें कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब पुराना, कैरियोट है ना। देखिए ये एक वर्ड मैंने आपको बताया होगा कई बार कि वे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं, और वे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। ये जहन में आपके है। बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जीवों को पांच जगत में बांटा गया था, उसमें से एक लक्षण कोशिका भी था कि नहीं था। तो देखिए क्या किया गया था, आर एच विटेकर ने जीवों को जब बांटा तो उन्होंने एक कोशिका का भी लक्षण उठाया। तो उन्होंने कहा कि सभी जीवों में आपको मालूम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, केवल मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बाकी पादप, जंतु, कवक, ठीक है, इन चारों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक। तो अगर आपसे पूछ दिया, कभी कभार क्या कह देता है कि पौधों के लक्षण बताइए, पौधों के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप कहेंगे कि पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पौधों में कोशिका कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक पाई जाती है, और जो पादप कोशिका होती है उसके बाहर एक आवरण अलग से पाया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है या कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, लेकिन पौधों में इस झिल्ली के अलावा एक और, ठीक है, एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। गांव में हम भोजपुरी लहजे में एक वर्ड यूज करते हैं, भीत कहते हैं ना, ये भीत है, भीत गिर जाएगी, है कि नहीं, भीत बहुत मोटी है, तो भीत मतलब क्या होता है, दीवार। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका की दीवार, कोशिका की दीवार क्या काम करती है, ये कोशिका को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यही एक सबसे मुख्य अंतर आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। जब आपसे अंतर पूछेगा तो सबसे पहला अंतर क्या होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पॉइंट बात समझते हैं, कोशिका भित्ति बनती किसकी है, ठीक है। तो देखिए आप बायोलॉजी में ज्यादातर याद रखेंगे कि जब कोशिका भित्ति की बात आएगी तो आप तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए सेलुलोस। किसका, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोस की बनी हुई होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो समझ गए, पहला लक्षण कोशिका के बेस पे हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं भाई पोषण, ये पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए पोषण का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि पौधे मुख्यतः क्या होते हैं, नॉर्मली आप ऐसे लहजे में, पहले हम बचपन से हमने सीखा है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं भाई, स्वपोषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन नहीं, जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हम जानेंगे कि नहीं, ये केवल स्वपोषी नहीं बल्कि ये मृतपोषी भी होते हैं, है ना, सॉरी, ये सहजीवी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं, और ये क्या होते हैं भाई, आंशिक परजीवी, और ये कीट भक्षी भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पौधे हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं, हम पढ़ेंगे। पोषण, आप जानते हैं कि क्या करना, आवश्यक पोषक पदार्थ को आवश्यक अंग तक पहुंचाना ताकि वो अपनी क्रिया को या अपने कार्य को सही तरीके से कर सके, इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशियन बोलते हैं। बात करते हैं क्लोरोफिल, या दूसरी भाषा में हम इसको स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है कि ये क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, एक अंग है, एक पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। मैंने आपको बताया प्लास्टिड हरित लवक, इसमें तीन प्रकार के लवक पाए जाते हैं, है ना, एक होता है वर्णित लवक, ये हरित लवक हो ही गया, ठीक है। लवक के अंदर तीन लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। आपने पढ़ा है जो आपका सेब, संतरा, मौसमी वगैरह जो कलर कलर के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वर्णी लवक की वजह से होते हैं। क्लोरोफिल कभी कभार देखिए पूछा जाता है क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो आप धड़ाक से बता देते हो कहां पे, पत्ती में। कहां बताते हैं, पत्ती में, लेकिन नहीं पत्ती में, नहीं पत्ती में एक धब्बे की जैसे संरचना होती है जो होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछेगा कि ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है तो आप तुरंत बताएंगे पत्ती में, लेकिन अगर पूछ दिया कि पत्ती में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है तो कहां, क्लोरोप्लास्ट। पूछेगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है तो आप कहेंगे कि पत्तियों में एक धब्बे की जैसी संरचना होती है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो पत्तियों में जो सुराख होते हैं, जो हल्के हल्के छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों का काम क्या होता है कि वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करना और अंदर से ऑक्सीजन को छोड़ने, वो आदान प्रदान करने का काम कौन करता है भाई? एक तो दरवाजा तो चाहिए ना इस कमरे में आने के लिए, आपको दरवाजा चाहिए। तो वैसे पत्तियों में, पौधों के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना या सभी जैसे विटामिन डी को ग्रहण करना, ठीक है, कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन को या वाष्प को छोड़ना कौन करेगा? कहीं तो निकलनी चाहिए हवा, तो कहां से निकलती है? वो पौधों में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करता है? पत्ती। छोड़ता कौन है? पत्ती। अब पत्ती में कौन सा भाग? रंध्र। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पत्ती के ऊपर एक धब्बे की जैसी एक धब्बा पड़ा होता है, आप देखेंगे कभी सूक्ष्मदर्शी से उसे देखेंगे तो वो धब्बे जैसी संरचना होगी जिसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। हालांकि हमें ये नहीं पढ़ना था, हमें कुछ और पढ़ना था, फिलहाल हम जान गए। पोषण की बात करते हैं। स्वपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो पौधे कैसे बनाते हैं अपना भोजन? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पे हमने पढ़ा है तो इसके बारे में ज्यादा हम नहीं करेंगे, लाइटली समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जमीन के अंदर से, पौधों में संवहन का काम, जैसे हम लोगों में आवश्यक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोगों में परिवहन का काम कौन करता है? रुधिर करता है। वैसे पौधों में जाइलम और फ्लोएम करता है। जाइलम का काम क्या होता है कि जमीन के नीचे से खनिज लवण लाके कहां पहुंचा दे? पत्ती तक। और फ्लोएम क्या काम करता है कि प्रकाश संश्लेषण। आपको मालूम है कि पत्ती को पौधे का क्या बोला जाता है? रसोई घर बोला जाता है, ठीक है। अभी मैंने टेस्ट वो आपके एग्जाम में आप किसी ने लिखा था ये पॉइंट को, लेकिन बड़ा गलत लिखा था, ठीक है। पत्ती को क्या बोला जाता है? पौधे का रसोई घर बोला जाता है। उसका खाना यही तो बनता है, लेकिन होता क्या है कि यही खाना बन जाता है जब, तो इस खाने को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया है? तो आप कहेंगे कि वायुमंडल से सभी गैसों को ग्रहण करना और जमीन के नीचे से खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी और पत्तियों तक क्या पहुंचता है? जल। पहुंचने के बाद वो क्या करता है? क्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? C6H12O6, मतलब क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के नहीं होगी। आपने जब वो क्रॉस किया होगा, जब आपने वो रिएक्शन करवाया होगा, तो आपने लिखा होगा CO2+H2O एरो, तो एरो के ऊपर आपने क्या लिखा था? सूर्य का प्रकाश, और नीचे आपने क्या लिखा था? क्लोरोफिल लिखा था। फिर क्रॉस करवाया था तो आपको ग्लूकोज मिला था, पानी मिला था, और एक गैस मुक्त हुई थी। वो कौन सी गैस थी? वो थी ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? तो ये था प्रकाश संश्लेषण। बात करते हैं परजीवी। पौधे भी परजीवी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब, पर मतलब दूसरों पर, पर मतलब, देखो कुछ लोग सपने में चल गए, हेलो है कि नहीं? चले फिलहाल देखते हैं, है कि नहीं? सपना देख रहे हैं आप लोग, लाइव क्लास में सो रहे हो यार, क्या बात है। चले बात करते हैं। वे जीव, पर मतलब क्या होता है? दूसरों पर। वे लोग या वे जीव जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी। हम पौधों के बारे में, हालांकि ये जंतुओं में तो आम बात है, लेकिन पौधों की बात समझेंगे। तो एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, आप देख सकते हैं इसको, ये आम वगैरह के पेड़ के ऊपर पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये स्वतः तो यहाँ रहते हैं, जैसे यहाँ आम का पेड़, यहाँ कोई पेड़ है, अमरबेल का पेड़ यहाँ है, उसके बगल में कोई हरा भरा पेड़ अगर है तो क्या करेगा? वो उसको कवर कर लेगा, समझ रहे हैं, उसको ढक लेगा, और वो जो भोजन बनाएगा वो उससे अपना भोजन बना लेगा। कहने का मतलब है मैं कढ़ाई माँ दूध के बैठा पड़ा हूँ, अपना खाना बना रहा हूँ, और वो आएगा कढ़ाइया लेके भाग जाएगा, समझ लीजिए इतना। तो इसको क्या बोलेंगे? परजीवी। परजीवी की क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप इसको काट देंगे, जैसे अगर मान लेते हैं ये अमरबेल आम के पेड़ के ऊपर पाया जा रहा है, अगर आप आम को काट दोगे ना, आम को अगर आप काट देंगे तो ये मर जाएगा। ये इतना बड़ा परजीवी होता है, मतलब अपना खाना नहीं बनाएगा, तुम्हारी कढ़ाई अगर ना मिली तो मर जाएगा, समझ रहे हैं, जिसको गांव में हमारे बोलते हैं प्रकांड ललचहा आदमी, वो अमरबेल है। होता क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोला जाता था। कि पौधों में क्या होता है? कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। होता क्या है कि वह उनके बगल में जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है, लेकिन ये उनके द्वारा बनाए गए भोजन, ये पूरा कब्जियक बैठे हैं। अरे भाई चलो तुमको बता रहा हूँ, अगर गांव में कोई शादी है, एकदम सीधा उदाहरण समझिए, गांव में कोई शादी है, एक मिला होगा जब उसके कुल चेला चला रहे होंगे दाल सब्जी रोटी, है कि नहीं? जैसे गर्म पूड़ी बनी, यहाँ आओ ले, यहाँ रखो, जाओ ठंडी की वाली बांट के आओ, सब्जी लेके जा रहा, कुल पीस दो यहाँ पहले दे, पनीर यहाँ दिलाओ, है कि नहीं? बुनिया लेके जा रहा, यहाँ पहले बुनिया दो, है कि नहीं? गुलाब जामुन लो यहाँ रखो,
कुछ नहीं वापस जाने वाला जब तक यहाँ नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, वो अमर बेल है। मतलब वो क्या करता है कि जब परजीवी पौधा जिस पौधे के ऊपर ये रहता है जब वो अपना भोजन बनाता है तो उसके बनाए हुए भोजन को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इनकी एक खासियत होती है कि जिस पौधे से ये लगे हैं, जिस पर ये आश्रित हैं, अगर आप आश्रित पौधे को काट देंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब अगर पूड़ी नहीं मिलेगी तो ही लगेंगे लोहड़े पोटने दौड़, एकदम अलग व्यवस्था देंगे, पूरा कुर्सी उर्सी तोड़ना चालू। समझिए, आगे बात करते हैं आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी का मतलब आंशिक का मतलब कुछ भाग। कभी कभी कोई आंशिक होता है, है ना, कभी कभी का मतलब समझिए। आंशिक परजीवी मतलब ये चाहे तो अपना भोजन बना भी सकता है। अब ये क्या होता है, ऐसे जीव जो कभी कभी मतलब कुछ परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, अन्यथा ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कहने का मतलब मैं खाना बना सकता हूं लेकिन सर दर्द कर रहा है, तुम बना दो मैं खाऊंगा, होता है ना। तो उसका उदाहरण क्या होता है, बांदा। ये क्या काम करता है, ये दूसरे पौधे से अपना भोजन तो प्राप्त करता है लेकिन जब दूसरा पौधा इसके अगल बगल कहीं दूसरे कोई पौधा नहीं मिलता तो ये क्या काम करता है, ये अपना भोजन स्वतः बना लेता है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकता है लेकिन कभी कभी ये दूसरे पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। समझ गए, चलिए आगे देखें। कीट भक्षी की बात करें, उसको बुला के लाओ, बस मारना ना, मार के दतवा तोड़ देना बेटा गधा, तुम्हें हद है बदतमीजी की। चलिए देखते हैं, है ना, कीट भक्षी की बात हम करते हैं। कीट भक्षी का मतलब देखिए, इसका एग्जांपल ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि कीट भक्षी, दो कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए, तो फटाक से आप बता देंगे, तुरंत धड़ाक से बता देंगे। घटपरड़ी, नाम याद रखो, घटपरड़ी क्या होता है, घटपरड़ी और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये पूछा जाता है। वीनस घट, देखिए क्या होता है, कीट भक्षी याद रखेंगे, ये पहले भी मैंने बताया है, ये पौधे कीट भक्षी होते काय के लिए है, क्या रीजन होता है, ये क्यों कीट भक्षी हो जाते हैं, तो ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहां पे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यहां पे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी। जब देखिए आपको मालूम है कि जहां नाइट्रोजन कम होगा ये नाइट्रोजन की पूर्ति करें, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं। इसका नाम है क्या भाई, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रिप, और दूसरा याद रख लेंगे घट परड़ी। हालांकि ये कक्षा 7 वगैरह में आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप और घट परड़ी, ये ऐसे पौधे हैं जो कीट भक्षी हैं, ये कीटों का भक्षण करके उनसे जब नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे लाइट होती है ना, बिजली आपको तब तक पकड़े रहती है जब तक कि आपके शरीर में ब्लड है, जैसे ही ब्लड खत्म तुम निकल लो, कुल विटामिन सी विटामिन डी जब ले लेगी तो कहेंगे जाओ निकल लो, है कि नहीं। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, वो जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जनन की बात हम कर लेते हैं, तो इनके बारे में जनन देखिए आगे कुछ पूछ देगा कि पादप जगत को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो जैसे जीवों को 5 जगत में बांटा गया था वैसे ही पादप जगत को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सैवाल, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा, चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म और पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म। लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सैवाल हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका ब्रायोफाइटा, अगला चैप्टर आपका इसी के ऊपर डिपेंड है, ब्रायोफाइटा, और तीसरा हो गया आपका टेरिडोफाइटा, चौथा आपका हो गया जिम्नोस्पर्म, और पांचवा आपका हो गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखिए तो ये आपको आगे पढ़ना है, ये वाला अगला चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं ये जनन कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी जीव की 3 क्वालिटी आपको आनी चाहिए कि वो उसमें कोशिका कौन सी है, वो पोषण कैसे करता है और वो जनन कैसे करता है। 3 चीज़ अगर आपको किसी जीव के बारे में पता है तो समझ लीजिए कि आपको उस जीव के बारे में पता है। तो पढ़े आगे, बात करते हैं कि जीवन की अवस्था इसकी क्या होती है, ये कैसे जनन करता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट याद रखेंगे, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित द्विगुणित क्या होता है, अगुणित जब कोई चीज अकेला हो तो वो क्या है, अगुणित। मधुमक्खी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगुणित द्विगुणित के बारे में, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो अगुणित का मतलब अकेला, द्विगुणित का मतलब क्या होता है, दो गुण। भाई द्विगुणित, 2 लोगों के गुण मिल चुके हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, द्विगुणित। देखिए इसमें पौधों में क्या होता है, पौधे कैसे जनन करते हैं, तो पहले जनक होता है,
पौधे कैसे जनन करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है, उसकी कई विधियां हमने पढ़ा है, जैसे काई जनन है ना, काई मुकुलन है कि नहीं पढ़ा है ना, पुनर्जनन हमने कई पढ़ा, उसके बारे में हम वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम थोड़े से इसके बारे में ये लाइटली पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही पूछा गया है। कैसे करते हैं, तो इसमें एक जनक होता है जो युग्मक का निर्माण करता है। जनक किसका निर्माण करता है? युग्मक का निर्माण करता है। तो जो युग्मक होता है, देखिए जनक जो होगा वो क्या होगा? द्विगुणित होगा। क्या होगा? द्विगुणित। कैसे? जैसे मेरी बात करते हैं तो अभी मैं क्या हूँ? अभी क्या हूँ? अगुणित। क्या है? और शादी हो जाएगी तो जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे जो चेलवा होगा वो क्या होगा? है कि नहीं? तो जब वो दो लोग मिल जाते हैं, दो अलग अलग युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? द्विगुणित बन जाते हैं। फिर जब उनके उनमें है ना, उनमें युग्मक का निर्माण होगा तो उनका युग्मक क्या होगा? वो अगुणित होगा। समझिए बात को। तो जनक जो है वो क्या है? द्विगुणित। और वो जिस युग्मक को बनाएगा, जैसे मान लेते अगर ये मेल है तो क्या बनाएगा? शुक्राणु। क्या बनाएगा? शुक्राणु। तो ये जो शुक्राणु हुआ वो क्या होगा? अगुणित होगा ना भाई। क्या होगा? अगुणित। और फिर अगर यहाँ मादा, अगर मादा की बात करते तो यहाँ अंडाणु होता वो क्या होता? अगुणित। और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? 2N, मतलब जिसको बोला जाएगा द्विगुणित। तो पौधे ऐसे ही जनन करते हैं। बस इतना ही हमें बेसिक चीजें आपको बताना था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, मैंने से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।